अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप लोग? आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, इस तरह की शीट होगी आपका, सबसे फ्रंट पेज ये होगा आपका, ठीक है, आंसर शीट का। इसमें आपको अपना सब्जेक्ट लिखना होगा, आपका पेपर कोड। अभी आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तब आपका उसमें पेपर कोड होगा, वो आपको यहाँ पर पेपर कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद जिस डेट में आपका पेपर हो रहा है वो डेट डालनी होगी। किस लैंग्वेज में आप अपना आंसर दे रही हैं, ठीक है, अरबी, इंग्लिश, जिसमें आप दे रही हैं आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपना पेपर कोड यहाँ पर लिखे वो करेंगे, क्वेश्चन पेपर कोड, ठीक है। देखिए जो रोल नंबर आपको मिला होगा, जैसे समझिए आपको रोल नंबर मिला है 7589 10, इस तरह का आपका पूरा रोल नंबर है। एक तरह से मैंने ये एग्जांपल दिया कैसे आपका रोल नंबर है, तो आप इसको कैसे करेंगी। सबसे पहले ऐसे नहीं है कि 7 यहां पर करेंगी, कि जैसे यहां पर 7 है तो देखिए मैंने यहां 7 लिखा है, तो यहां 7 इस वाले लाइन में फर्स्ट में, तो मैं इसको सर्किल करूंगी। अब 5 है तो मैं 5 को इसी कॉलम में नहीं करूंगी कि मैं यहां 5 को कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि 5 दूसरे कॉलम में लिखा है तो दूसरी लाइन में आप 5 देखिए, ये 5 है तो आप यहां पर इसको फिल कर दीजिए, इस वाले बॉक्स को, 5 नंबर को, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल बॉल पेन से आप इसको फिल कर देंगे। उसके बाद 8, ये देखिए थर्ड कॉलम में 8 है तो थर्ड लाइन में ही आप 8 को ढूंढेंगी, ये आ गया, यहां पर 8 है तो आप इसको अच्छे से ऐसे फिल कर देंगे। उसके बाद 9 लिखा है मैंने, तो देखिए 9 4 कॉलम में है तो मैं 4 ही लाइन में 9 को ढूंढूंगी, यहां पर 9 है तो मैं इसको 9 को सर ऐसे कर दूंगी, फिल कर दूंगी इसको। उसके बाद 1 5th कॉलम में है तो 5th लाइन में मैंने 1 को देखा और इसको ऐसे मैंने सर्किल कर दिया, ठीक है। उसके बाद है 0, तो 6 कॉलम में 0 है तो मैं यहां पर 0 लिखा हुआ है इसको सर्किल कर दूंगी। समझ में आया? ऐसे जो भी आपका नंबर होगा उसी लाइन में, एक ही लाइन में अगर आप सब नंबर को फिल कर देंगी तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? जैसे जो नंबर हो, पहली लाइन पहला नंबर पहली लाइन में ढूंढिएगा, दूसरा नंबर दूसरी लाइन में देखिएगा, तीसरा तीसरी लाइन में, चौथा चौथी लाइन में, ऐसे आपके नंबर जितने भी होंगे लास्ट तक यहां फिल हो जाएंगे, ओके। इसके बाद आपका सेंट्रल कोड आपको दिया गया होगा, जैसे मेरा सेंट्रल कोड है मान लीजिए 03259104, ये मेरा पेपर कोड, वो सेंट्रल कोड जहां पर मेरा सेंटर पड़ा है वो कोड दिया गया है मुझे। अब 0 दिया गया है तो मैं फर्स्ट वाला जो यहां 0 लिखा है इसको सर्किल करूंगी, सेकंड कॉलम में 3 है तो मैं सेकंड ही इसमें 3 ढूंढूंगी, यह है 3 और मैं इसको यहां पर सर्किल कर दूंगी। इसी तरह थर्ड कॉलम में 2 है तो मैं थर्ड लाइन में 2 ढूंढूंगी, ऐसे इसको सर्किल कर दूंगी, देखिए मैं लंबाई में कर रही हूं बेटा। उसके बाद 5th में 4 में मेरा 5 है तो मैं यहां पर 4 लाइन में 5 ढूंढकर इसको सर्किल करा, फिर 9 देखा मैंने यहां पर 9 को सर्किल करा, फिर 1 इसी तरह 0 और ऐसे लास्ट में 4, देखिए हर अलग अलग है, ठीक है, ऐसे फिल हुआ। उसके बाद सब्जेक्ट कोड, जो आपका सब्जेक्ट कोड हो, यहां पर आपका जैसे 235 है यह आपका पेपर कोड है, तो आपने यहां पर, ठीक है, देखिए इसी तरह से आपको मिलेगा। उसके बाद यहां पर आपको अपना नाम लिखना होगा कैपिटल लेटर में, ठीक है, इसी तरह इसको ये आपको फिल कर देंगे। जैसे मेरा नाम है रुबीना, तो यहां पर कैपिटल लेटर में आप अपना नाम लिखिए। अब आप अपने नाम के अल्फाबेट इसमें देखिए और उसको सर्किल कर दीजिए। सबसे पहले आर, मैंने इसको सर्किल कर दिया। उसके बाद यू, आप इसमें यू देखिए जहां पर भी है, ये है यू, इसको आपका नाम जो भी इसको कर दीजिए। उसके बाद बी, ठीक है, फिर उसके बाद आई, फिर एन और फिर ए, ठीक है, अपना पूरा नाम जो भी आप लगाती हो पीछे, खान, बानो, बेगम, जो भी लगाती हो आप वो लिखेंगी और उसके बाद इसी तरह इन अल्फाबेट को आप सर्किल कर देंगी। ये आपका फर्स्ट पेज रहेगा जिसको आप बहुत ध्यान से फिल करेंगी। और भी सब्जेक्ट के जो पेपर सॉल्व हुए होंगे उर्दू के या जिस भी सब्जेक्ट के, मैम ने आपको समझाया होगा इसको फिल करना, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले इसको अच्छे से फिल करेंगे, उसके बाद आप अपने अब क्वेश्चन पेपर पे आएंगी, ठीक है। लेकिन इसी को मेन है, ये आपका फिल होगा तभी आपके आंसर शीट चेक होगी, वरना अगर आप इसमें गलती करेंगी तो आपके आंसर शीट नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। देखिए बेटा, ये है आपका पेपर, ये आपका पेपर कोड यहां दिया गया है, ये है आपका पेपर कोड, ठीक। उसके बाद यहां पर है कि आपका जो पूरा पेपर है
वो 12 सफात पर है, यानी कि उसमें 12 पेज हैं, और टोटल सवाल जो उसके अंदर दिए गए हैं वो 25 सवाल दिए गए हैं, 25 सवाल हैं और पेपर कितने हैं, 12 पेपर हैं। इस चीज को अच्छे से देखिएगा और आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो रोल नंबर दिया गया है वो रोल नंबर आप अपना यहां पर डाल देंगी, जो भी रोल नंबर आपका होगा, ठीक। आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर, वो आगे नसीहत आ रही है मैं बता दूं, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर सबसे पहले यहां पर मेंशन करेंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे पेपर के ऊपर, कुछ भी नहीं। देखिए, सबसे पहले यहां पर अपना रोल नंबर लिखेंगे फी अल्फाजिन, अल्फाज में, उसके बाद किस दिन आप अपना एग्जाम दे रही हैं और क्या तारीख है वो यहां पर मेंशन कर देंगी, और किस चीज का आपका एग्जाम है वो आप यहां पर लिख देंगे। देखिए बेटा, उसके बाद यहां पर कुछ आपको नसीहतें दी गई हैं कि किस एतबार से आप अपना पेपर करेंगे। फर्स्ट, इसमें युजीबु अन यक्तब अल मराशिल रकम जुलूसु फिल इम्तिहानी अला सफ्यतुल उला लि वक्तिल अरसलती, कि यहां पर यह कहा गया है कि तलबा क्वेश्चन पेपर के पहले सफे पर अपना रोल नंबर लिखें, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के पहले सफे पर, जैसे ये आपका क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आप अपना रोल नंबर वहां पर लिखेंगी। दूसरा है, दूसरी हिदायत दी गई, यर्जी तहकीक मिन अनिल कतीबी यहतवी अला नफसिल अददा मिन सवालती व सफाती अल्लती हिया मस्कूरतु अला अला सफातिल उला व इज़न अन्नहा मर्तबतन व फकत तस्सलाहा मस्कूरतुन, यानी आप इस चीज को चेक करिए मेहरबानी करके, अपने सवाल नामे को यानी क्वेश्चन पेपर को चेक कर लें कि तमाम सफहात और सवालात की उतनी ही तादाद है जितनी के आपके पहले सफे पर छपी है, यानी कि कितने सवाल दिए गए हैं, 25 सवाल, इब्तिदा में ही बताया गया 25 क्वेश्चन है आपके। तो आप इस चीज को चेक कर लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर को कि आप सबसे पहले कि आपके जो सवाल में कि जो तादाद दी गई है, जो तादाद इन्होंने पूछी है कि 25, तो 25 सवालात मेरे क्वेश्चन पेपर में मौजूद हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप खड़े होकर अपने जो आपका एग्जामिनर होगा, जो एग्जाम ले रहा होगा, आप उससे कह सकती हैं कि मेरे क्वेश्चन पेपर में 23 ही क्वेश्चन है, जबकि 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, या अगर 25 ही है तो कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आप आराम से अपना पेपर कीजिए। उसके बाद थर्ड यहाँ पर है, अलेका अन तख्तारा अजाबता वाहिदतन मिन बैनिल अजाबती व रकम ए बी सी और डी लिल असलती मौजूयती व कतबत तिलकल अजाबती फिकुर्रासतिल अजाब। देखिए कि ये कहा गया यहाँ पर, तालिब इल्म को ए बी सी डी में से कोई एक जवाब मुंतखब करना है, चुनना है, यानी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, सवाल में ऑप्शन दिया जाएगा ए बी सी डी में से, आपको सवालात में से आप जवाब को देखना है, जो सही जवाब है ए बी सी में से, जो सही जवाब होगा उस जवाब को आप अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखेंगी। ये नहीं कि पूरे सारे उतारेंगे फिर उसमें से टिक का निशान लगाएंगी, नहीं, जो सही हो ए बी सी में से, समझ लीजिए मेरा बी सही है तो सिर्फ मैं नंबर डालूंगी कि जवाब नंबर, क्वेश्चन नंबर वन है मेरा तो मैंने डाल दिया जवाब नंबर वन, और उसके बाद उसका आंसर मेरा बी है तो मैं सिर्फ बी ही लिखूंगी उसमें, ये नहीं कि मैं सभी लिखूंगी, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे, उन चार में से जो आपका सही आंसर होगा उसको आप अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखेंगे बेटा, सिर्फ एक आंसर लिखेंगे उसमें से। फोर्थ हिदायत आपको दी गई, अलेका अन तजीबू अला जमील असलती बेमा फील असलती मारूजियतन फिल वक्तिल महदूद लन याती वक्तन इजाफियतन लिल असलतिल मारूजियती। ये कहा गया कि मारूजी सवालात के लिए, जो मारूजी मुख्तसर सवालात जो दिए गए हैं वो आपके 14 सवालात होंगे, जो मारूजी सवालात होंगे, तो मारूजी सवालात के लिए वक्त महदूद है, यानी जो मारूजी सवालात के साथ साथ सभी सवालात के जवाब दिए गए हैं वक्त के अंदर देने हैं, यानी मारूजी सवालात के और जितने भी सवालात हैं, यानी 25 जितने भी सवालात हैं सबके आंसर आपको, जो 3 घंटे आपको वक्त दिया गया है उन्हीं 3 घंटे के अंदर आपको अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा वक्त नहीं दिया जाएगा, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मारूजी सवालात को करने के साथ साथ, मतलब मारूजी सवालात को महदूद वक्त के अंदर ही आपको पूरा करना है, और मारूजी सवालात के लिए आप ये सोचें कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दूं, मारूजी सवालात को छोड़ दूं और इसके बाद में कर लूंगी, तो मारूजी सवालात के लिए आपको मतलब इजाफी वक्त और एक्स्ट्रा वक्त नहीं दिया जाएगा।
फिफ्थ लायजूजु लिल मशारी अन यूता आयातन अलामतन मख्ससतन लहू फी अय मकानिन फी कुरासतिल अजाबती गैर अल मकानी अल्लज़ी महदूदु लिकतबति रक्म जुलूसियति फिल इम्तिहान। देखिए तालिब इल्म जवाब कॉपी में रोल नंबर के अलावा अगर कोई पहचान का निशान या कोई हिदायत लिखता है, यानी तालिब इल्म जो बैठा है एग्जाम देने के लिए, अगर वो अपनी आंसर शीट के ऊपर आप कुछ भी कोई निशान लगा रहे हैं, कुछ रेड पेन से कुछ लिख कर रहे हैं या फिर इसके अलावा कुछ लिख रही हैं आप उसके ऊपर, तो फिर वो आपकी जो आंसर शीट है उसको नहीं लिया जाएगा, तो उसे इम्तिहान से खारिज कर दिया जाएगा। तालिबे इल्म जवाब कॉपी में रोल नंबर के अलावा, ठीक है, अगर कोई पहचान का निशान या कोई हिदायत लिखता है तो उसे इम्तिहान से बाहर कर दिया जाएगा। आपको अपनी आंसर शीट में सिर्फ अपने आंसर लिखने हैं, ठीक है, और अपने क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ अपना रोल नंबर मेंशन करना है, और ठीक है, इसके अलावा कुछ निशान कुछ भी इस तरह की हिदायत नहीं करनी है। सिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर, यजी कतबत रकमुश शफरी यक्तुब असलतिन अला कुर्रासतिल अजाबती, के अपनी आंसर शीट पर क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर लिखें, यानी ये आपका पेपर कोड दिया गया है ना, जो आपका आंसर शीट दी जाएगी आपको, आप उसके ऊपर अपना पेपर कोड जरूर लिखें। समझ में आ गई क्या बातें बताई गई? एक बार दोबारा देखिए इसी चीज को, फिर हम आगे पेपर सॉल्व करते हैं। कि देखिए बेटा, ये पेपर आपका दिया गया, 3 घंटे का पेपर होगा, यह आपका पेपर कोड है, ठीक है। इस पेपर में 25 सवालात हैं जो 12 सफहात पर मुश्तमिल होंगे। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, क्लियर है इतना। रोल नंबर के बाद आप अपना यहाँ पर रोल नंबर अल्फाजों में लिखेंगे, उसके बाद इम्तिहान का दिन लिखेंगे, किस दिन आप इम्तिहान दे रहे हैं और कौन सी तारीख है वो मेंशन करेंगे। आप अपना जो मौजू है अरबिक वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन के ऊपर आप अपना पेपर को वो अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप चेक करेंगे इस बात को, दूसरे नंबर पे ये हिदायत दी गई कि आप चेक करेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर पे उतने ही सवालात मौजूद हैं जितने के क्वेश्चन पेपर में दिए गए, यानी जितने के ऊपर पूछे गए हैं। थर्ड, तालिबे इल्म को ए बी सी डी में से कोई एक जवाब आप मुंतखब करेंगे और जब अपनी आंसर शीट के ऊपर जो सही आंसर होगा उसको लिखेंगे। फोर में आपसे कहा गया कि मारूजी सवालात के साथ साथ सभी सवालात के जवाब आपको दिए गए हैं, आपको जवाब दिए गए वक्त के अंदर ही पूरे करने हैं, मारूजी सवालात के लिए आपको अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा। फिफ्थ कहा गया, तालिबे इल्म अपनी जवाब कॉपी में रोल नंबर के अलावा अगर कोई पहचान निशान या कुछ भी लिखते हैं तो फिर वो आपको क्या कहते हैं, इम्तिहान से आपको खारिज कर दिया जाएगा। अपनी आंसर शीट पर क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर जरूर लिखें और पेपर कोड ये है, ठीक। अब इसके बाद इतनी हिदायत मुकम्मल करने के बाद यहां से स्टार्ट होता है आपका पेपर। आपका पेपर 100 नंबर का होगा, ठीक है। वक्त यहां पर दिया गया है कि 3 घंटे होगा। देखिए बेटा क्या कहा गया, 1 अल अजाबतु अला जमील असलती जरूरियती, कि तमाम सवालात के जवाब देना जरूरी हैं। ऑप्शन नहीं दिया गया, तमाम सवालात के जवाब क्या हैं, जरूरी हैं। पहला, उसके बाद दूसरा नंबर, यर्जी करात जमील असलती बे अनायती सुम्मल अजबा, यर्जी तवज्जे के साथ करातन पढ़िए जमील असल तमाम सवालात को, तमाम सवालात को तवज्जे और गौर फिक्री के साथ पढ़िए फिर उसके जवाबात दीजिए या लिखिए। थर्ड है, अमामा कुल्ला सवालिन दरजात महदूदतिन लेजाले का सवाल, अमामा सामने कुल्ला हर सवालिन सवाल के, हर सवाल के सामने उसके नंबर दिए गए हैं, माखूज हैं, लिखे गए हैं। फोर है आपका, लिकुल्ले मिन असलत, यानी कि पहला जो सवाल है उसमें आपको 14 क्वेश्चन हैं जो ए बी सी डी करके ऑप्शन में दिया गया है और आपको इख्तियार दिया गया है कि आप उसमें से सही आंसर को चुनिए और उसको अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखिए। यहां से आपका शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 1, यहां से लिखेंगे अब आप वो लिखने, ठीक है। अब आप अपनी आंसर शीट में कैसे लिखेंगी, यहां से लिख रही है तो आप लिखेंगी जवाब नंबर 1, ठीक है। पहला सवाल आपसे क्या किया गया, शमसिल हुरूफ की तादाद कितनी है, मा हुआ अदद अल हुरूफ शमसियती, समझ में नहीं आ रहा है, उर्दू में दिया गया शमसी हुरूफ की तादाद कितनी है। ऑप्शन इन्होंने दिया है ए में 11,
बी में 13, सी में 14 और डी में 17। अब आपको पता है कि शमसी हुरूफ की तादाद कितनी है, ठीक, आपको पता है सी ऑप्शन आपका सही है। तो आप अपनी आंसर शीट में सिर्फ लिखेंगी सी ब्रैकेट में करके 14, बस ये आपका एक क्वेश्चन पूरा हुआ। समझ में आया? लेकिन लिखेंगे ये आंसर शीट के ऊपर। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन है मा हुआ अदद हुरूफुल जर, क्या पूछा गया, हुरूफ जर की तादाद कितनी है, यानी हुरूफ जारा कितने होते हैं। ऑप्शन इन्होंने दिया ए में 17, बी में 19, उसके बाद सी में 21 और डी में 23। ठीक, अब इसमें से आपको पता होनी चाहिए कि हुरूफ जारा कितने होते हैं। हुरूफ जारा कितने हैं? 17, ए, ये आपका सही आंसर है। तो आप अपनी आंसर शीट में कैसे लिखेंगी? आप डालेंगी जवाब, जवाब नंबर आपका कौन सा है? 2, और सही आंसर है ए, और ए में मतलब 17। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से करना है? देखिए बेटा, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका मा हुवल हुरूफ अल्लती तस्तखदिमू लितगय्युरु नकरतन इलल मारिफा, मारिफा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यानी नकरा हुरूफ को मारिफा बनाने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे कि वो नकरा से मारिफा बन जाएगा। इन्होंने ए में दिया है इला, बी में दिया है अलिफ लाम, सी में दिया है अम और डी में दिया है लाम। नकरा से मारिफा बनाने के लिए सही आंसर है ऑप्शन बी, बी सी, वेरी गुड, ऑप्शन बी यानी अलिफ लाम। तो आप कैसे लिखेंगे? अपनी आंसर शीट के ऊपर डालेंगी जवाब नंबर 3, ठीक, और आप लिखेंगी बी, बी में क्या लिख रही हैं आप? अलिफ लाम। ठीक है, उसके बाद फोर क्वेश्चन आपसे किया गया है बेटा, आइए मिन हुरूफ तालियती हुआ मिन हुरूफ इस्तेफहाम, द जज़ेल में से कौन सा हर्फ इस्तेफहाम है, यानी यहां ये हुरूफ दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया कि हुरूफ इस्तेफहाम कौन सा है। ए में दिया गया मुंजु, बी में है हैसो, सी में कैफा, डी में फौका। तो फिर इसमें से बताइए सही ऑप्शन क्या है? कैफा, वेरी गुड, सी ऑप्शन सही है। तो आप अपनी आंसर शीट में क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 4 और ऑप्शन सिर्फ सी और कैफा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कम हुआ अक्सामुल फेल, फेल की कितनी किस्में हैं, ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। बताइए फेल की कितनी किस्में हैं, फेल कितनी तरह का होता है? ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन ए, फेले माजी, फेले मुजारा और फेले अम्र, फेल तीन तरह का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 3, आप डालेंगे जवाब नंबर 5 और उसमें लिखेंगे ए 3। देखिए ये पेज, अब ये सफा नंबर 3 चल रहा है आपका, इसमें सफा नंबर 3 पर आपका 6 क्वेश्चन आया। 6 क्वेश्चन क्या है? कम अक्सामुल मफूल, यानी मफूल की कितनी किस्में हैं, मफूल कितनी तरह के होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। कितने होते हैं बताइए? ऑप्शन सी, हाँ वेरी गुड, मफाइले खमसा जिन्हें कहा जाता है, ऑप्शन सी, यानी मफूल 5 तरह के होते हैं जिन्हें मफाइले खमसा कहा जाता है। वेरी गुड बेटा, 7 क्वेश्चन है आपका द जज़ेल में से इन, इन्ना के अख्वात कौन से हैं, लैसा, महमा, मादामा और लाअल्ला। इनमें से बताइए कि इन्ना के अख्वात कौन से हैं। ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, डी डी, हाँ ऑप्शन डी लाअल्ला। ठीक है, ऑप्शन डी लाअल्ला। ठीक है बेटा, तो आप कैसे लिखेंगी? आंसर नंबर यानी जवाब नंबर 7 और इसका क्या है आपका डी। पेपर में भी क्या? देखिए बेटा, उसके बाद है अय्यु मिनल अस्माई तालियती इस्मुल मफूल, द जज़ेल में इसमें मफूल को पहचाने। देखिए बेटा, यहां पर इन्होंने
ए में दिया है मदरसा, बी में दिया है महफजतुन, और सी में दिया है मकबूलुन, और डी में दिया है महरसात। इसमें से आपको चार दिए गए हैं और इसमें से आपको इसमें मफूल पहचानना है। मफूल आपको पता है जिस पर काम का असर होता है उसे मफूल कहा जाता है। तो इन चारों में से मफूल कौन सा होगा? ऑप्शन सी मकबूलुन, ठीक है? यस मैम। ये होगा ऑप्शन सी मफूल। उसके बाद है माहियल कलमतुल अरबियता, यानी एयरपोर्ट, हवाई अड्डे की अरबी बताएं कि हवाई अड्डे को अरबी में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मतरुन, ऑप्शन बी मतारुन, और ऑप्शन सी तायरुन, और ऑप्शन डी मातीर। बताइए। बताइए हवाई अड्डे की अरबी क्या है इसमें से? मैम ऑप्शन ए। नहीं, मतरुन बारिश, ऑप्शन ए नहीं, गलत। ऑप्शन बी। शाबाश, ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन ए मतरुन बारिश, तायरुन परिंदा, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए। उसके बाद माहियल कलमतुल अरबियते लाम, शहरी की अरबी क्या है सिटीजन, ठीक है, कि शहरी को अरबी में क्या कहा जाता है। तो यहां पर आपने पढ़ा भी होगा, आपके सबक में ही था। तो पहला ऑप्शन में इन्होंने दिया मुकीमुन, दूसरे में दिया मस्कनुन, तीसरे में दिया है इन्होंने सी में मवातिनुन, और डी में दिया है मौतिनुन। बताइए इसमें से क्या है? मौतन। हाँ, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी मौतन। जबकि मुकीम मतलब होता है ठहरने वाला, सकनुन रहने वाला, इन्हीं मानों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मौतन जो इस्तेमाल होता है वो शहरी के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए उसके बाद है मा हुआ जमा कलमतुल जहाज, जहाज की जमा क्या है। जहाज का मतलब होता है आला, आपने पढ़ा होगा, है ना, आला, आला जो होता है लगाने वाला, या फिर साजो सामान से आरास्ता, इस तरह की तमाम चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने ऑप्शन ए दिया है अजहजतुन, उसके बाद जहाजात, उसके बाद सी दिया है मजहूजात, से डी दिया है जहाजात। देखिए ऑप्शन ए, ठीक है, ये है इसकी जमा। उसके बाद है इमारत की जमा क्या है। इमरात यानी कि औरत को अरबी में औरत की जमा क्या होती है? जी सी, ऑप्शन सी बेटा, निसा। तो इमरात की जमा निसा है, ऑप्शन सी सही आंसर है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यानी सवाल नंबर 13, खाली जगह को पुर कीजिए अमलाल फराग बिकलमतिल मुनासिबती, यानी मुनासिब कलमे से खाली जगह को पुर कीजिए। पहला इन्होंने दी है खाली जगह यकाउत ताज महल मदीनतुल आगरा, ऑप्शन ए मिन, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन सी अला, ऑप्शन डी फी। बताइए इसमें से क्या चीज आएगी? ताज महल, दोबारा से दोहराना एक बार। खाली जगह को पुर करना है, पहली खाली जगह है आपकी यकाउत ताजमहल, ताजमहल वाक़े है मदीनतुल आगरा, आगरा शहर। ऑप्शन इन्होंने दिया है मिन इला अला फी। मिन आगरा शहर से, ताजमहल आगरा शहर से वाक़े है। ऑप्शन डी आगरा शहर में वाक़े है, आगरा शहर में मौजूद है ना, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका, ताजमहल आगरा शहर में वाक़े है। देखिए बेटा उसके बाद है खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। पहला इसमें दिया गया अल अब मशऊलुन उसरती, ऑप्शन दिया गया फी अन मिन और हत्ता। बताइए इसमें से क्या आएगा? मैम अबुन का तर्जमा क्या है? अब खेल के लिए इस्तेमाल होता है, लुबन, लुबन जी। मैम क्या वो अल्लुबु मशूलुन उसरती ही है? फी उसरती, फी, ठीक है, अपनी फैमिली में, अपने खानदान में, उसरती फैमिली को ही तो कहते हैं बेटा। मैम मशगूलन का तर्जमा क्या है? मशगूल होना,
देखिए उसके बाद है मीजुल मुजाफ वल मुजाफिले फिर जुमलतु तालियता, दजाजेल में मुजाफ और मुजाफले को लिखिए। यहाँ पर इन्होंने दिया है हकीबतुल उस्ताजी अल तावीलती, कि हकीबतुल उस्ताज ठीक है अल तावीलती। बताइए इसमें सिर्फ आपको मुजाफ और मुजाफले पहचानना है इस जुमले के अंदर। पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये लिखेंगे आंसर में, उसके बाद इस पूरे जुमले को उतारेंगे ठीक, फिर उसमें से आप मुजाफ और मुजाफले को बताइए कि इसमें मुजाफ क्या और मुजाफले क्या है। उस्ताद का बक्स, उस्ताद का बैग या बस्ता मेज पर है। बताइए, बुक में नहीं मिलेगा, बुक का नहीं है, बेकार है बुक को ढूंढना। वेरी गुड, हकीबा होगा इसके अंदर मुजाफ और उसके बाद अल उस्ताद इसमें बनेगा मुजाफिले। देखिए आपको पता है कि मुजाफ बगैर अलिफ लाम के होता है, मुजाफ ले के ऊपर अलिफ लाम रहता है और इसके उर्दू के तर्जुमे में का की के आता है। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका कि मुजाफ बगैर अलिफ लाम के होता है, तो आप देखिए हकीबा क्या है बगैर अलिफ लाम के और मुजाफ ले के ऊपर अलिफ लाम होता है, तो अल उस्ताद के ऊपर देखिए अलिफ लाम है ठीक है। तो आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे आंसर शीट के ऊपर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे आंसर नंबर 15 आप लिखेंगे हकीबतुन मुजाफ ऐसे ठीक है। पहले इस जुमले को ऊपर लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखेंगे अल उस्ताजो मुजाफिले मुजाफिले ऐसे मेंशन करेंगे ठीक है। समझ में आया, ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने दिया है 16 क्वेश्चन, सवाल नंबर 14, हर सवाल के सामने उसके नंबर मौजूद हैं, जैसा कि आपसे तमहीदी जब बात कही गई थी उसमें बताया गया था आपको। मदजाजेल जुमले अगर सही हैं तो सही का निशान लगाएं और अगर गलत हैं तो गलत का निशान लगाइए। पहला इसके अंदर है हाजल कमीसो बेमियातिन रुबियात, बताइए ये जुमला सही है या गलत है। हाजल कमीसो बेमियातिन रुबियात, जी बेटा मैम क्वेश्चन नंबर 15 पे अगला वाला भी तो अलिफ लाम के साथ आ रहा ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 में जी, ये नहीं 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 नहीं, तो ये देखिए ये इस्म नहीं है, ये हर्फ जर है, अला हर्फ जर है ठीक है, अला इस्म नहीं है बेटा, और जो बगैर अलिफ लाम के होना चाहिए वो इस्म होना चाहिए ठीक है। ये अला हर्फ जर है और उसके बाद जो आएगा देखिए और मुजाफले के ऊपर पेश आता है, जबकि यहाँ पर अला हर्फ जर की वजह से तावील लती आएगा, यहाँ पर इसके नीचे जेर आएगा ठीक है, इसका जो एराब रहेगा वो जेर का होगा और जबकि इसका जो एराब होगा हकीबतुल उस्ताजी ठीक है। तो यहाँ पर हाँ ओके, ये बताइए पहला ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया गया हाजल कमीसो बेमियातिन रुबियात, बताइए इसमें ये सही है या गलत है, राइट का निशान या रॉन्ग। मैम मुर्द बताना, आप बताइए, ये आप पढ़ चुकी है हाजल कमीस, ये कमीस बेमियातिन रुबियात कितने रुपए की है, 100 रुपए की ठीक है जी, यस। हाँ, तो सही है या गलत है, हाँ ठीक। ऐसे आप पहले इस जुमले को कैसे, आप सवाल नंबर लिखेंगे कि आप कौन सा लिख रही हैं अपनी आंसर शीट पर, आंसर नंबर 16 और उसके बाद आप ये ए उतारेंगी, ए इस तरह डालकर ठीक, इसको आप उतारेंगे पूरा ऐसे करके हाजल कमीज हो जैसे लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट करके राइट होगा तो राइट का निशान, रॉन्ग होगा तो रॉन्ग का निशान लगा देंगे। सेकंड है उसके बाद तालम तो फातिमतु लुगतुल अरबियते फिल मदरसरती, बताइए सही या गलत जी। मैम ए लगा के राइट का निशान लगा दे तो ठीक नहीं होना, तो भी सही हो जाएगा ठीक है, तो भी सही है, आप सिर्फ ए लिखने के बाद राइट का निशान लगा देंगे तो भी सही है, अगर आप इसको लिख दे रही हैं तो और बेहतर है ठीक है। चलिए अब आप बी का बताइए बेटा, तालम तो फातिमतुल लुगतुल अरबियता फिल मदरसरती, हाँ ये भी दुरुस्त है, वेरी गुड बेटा। सी बताइए मरीजुल एज खतीरतुन, बताइए सही या गलत है, मरजुल हाँ ये गलत है। उसके बाद डी बताइए तस दादा अदद सजायरु यौमन फयौमिन, मैम पहले वाली
क्या है कि एड्स कौन सा वाला पूछ रही है? ए ऑप्शन ए पूछ रही है आप? बी फातिमा ने मदरसे, फातिमा ने अरबी जबान मदरसे में सीखी। मैम बी ऑप्शन नंबर डी। हाँ देखिए तजदाद ज्याति को कहते हैं तजदाद अदद सजाइर के मैंने दिन ब दिन सिगरेट की तादाद बढ़ती जाती है, दिन ब दिन या रोज बरोज सिगरेटों की तादाद बढ़ती जाती है। नहीं यहां पर ता का इस्तेमाल हुआ है जबकि यहां पर या का इस्तेमाल होना चाहिए था, तो इस वजह से यहां पर यह गलत होगा। ये गलत है। उसके बाद 17 है मंदरजा ज़ेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ए अल्फर्स, बी अल्फाकिया, सी अज़ैफ, डी अलबत। तो मैं इसमें से सिर्फ एक बना के आपको बताती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद बनाइएगा। देखिए पहला इसके अंदर जैसे उन्होंने अल्फर्स दिया, अब आपको अल्फर्स से आप कोई भी एक छोटा सा जुमला बना लीजिए जो आपको आसान लगे, जरूरी नहीं बहुत बड़ा बनाएं कि आपको समझ में ही नहीं आए। मैं बनाती हूँ असबहल फरसो जायअन, देखिए छोटा सा या पढ़ भी चुकी हैं, तब्दीली हालत को बताने के लिए असबा का इस्तेमाल होता है, असबहल फरसो जायन। ठीक है समझ में आया, असबहल फरसो जायन के घोड़ा भूखा हो गया। तो हमने यहां पर इन्होंने फर्श से जुमला बनाने के लिए कहा था, फर्श का इस्तेमाल हो गया कि घोड़ा इससे पहले भूखा नहीं था बल्कि अजबाह लगाने से पता चला, तब्दीली हालत पता चली कि अजबाहल फर्श हो जायन के घोड़ा भूखा हो गया। अब आप बना सकती हैं फाका अल्फाकिहा से, अजैब से आप जुमला बनाएंगी इसी तरह से, लेकिन जुमले बड़े बड़े नहीं छोटे बनाइएगा। देखिए उसके बाद है मंदरजा ज़ेल अल्फाज की जमा लिखें। यहाँ पर इन्होंने ये अल्फाज दिए जैसे सातुन, मा, गसलतुन और सूरतुन, इनकी आपको जमा लिखनी है कि जैसे सा मतलब वक्त, इसकी जमा क्या होगी कोई बताएगा आप में से? जी बताइए बेटा। इसकी जमा बोलिए, सातुन की जमा सात। जी ठीक है। माँ की जमा पानी, बताइए इसकी जमा क्या होगी? अमिया, अमिया या मिया दोनों ही होती है। ठीक है उसके बाद बनाइए गसालतुन वॉशिंग मशीन, इसकी क्या होगी? धोने का आला। अगर आप निकालेंगे ये इसमें मुबालगा में निकलेगा, अल गसाल निकलेगा इसकी जमा जो निकलेगी, देखिएगा निकाल के, फिलहाल इसमें मुबालगा में इस्तेमाल होगा ये अल गसाल। ठीक है उसके बाद सूरत की जमा बोलिए, सूरत की जमा अस्वात। उसके बाद देखिए मंदरजा ज़ेल सवालात में से सिर्फ चार के जवाब लिखिए। यहां पर इन्होंने कहा कि कुछ जैसे चार के जवाब देने हैं, देखिए ये है ए ठीक, उसके बाद बी सी और डी ई एफ ये इन्होंने दिए, इसमें से आपको जो सबसे अच्छे फोर आते हों, चार आते हों आप उसके जवाब देंगी, जो नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ देंगी। ठीक है वो आपको चॉइस में मिलेगा, ऐसे चॉइस में मिलेगा आपको कि फाइव सिक्स दिए गए हैं उसमें से आपको फोर करने हैं या फाइव दिए गए हैं उसमें से आपको फोर करने हैं, तो जो सबसे अच्छा है आप उसको कीजिए, जो नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ दीजिए। पहला इन्होंने दिया है मतलब पहला जुमला क्या है, लैसा, यहाँ पर ले ये ऐसे नहीं होगा, लैसा है बेटा ये, ठीक है लैसा होगा समझ जाइएगा, लैसा और जल्ला को जुमले में इस्तेमाल करें। अगर आप कर सकती हैं आपको आ रहा है अच्छे से तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे मुझे समझ लीजिए अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है मुझे करना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं डालूंगी अपनी आंसर शीट के ऊपर आंसर नंबर, जैसे मैंने लिखा देखिए। मैम जी, मैम सूरतुन की जमा क्या आती है? सूरतुन की जमा अस्वात लिखा मैंने शायद,
देखिए बेटा, देखिएगा फिर क्या आएगी। तो आवाज आ जाएगा। जी 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 सही कह रही हैं। बनाइए फिर। असुर आ सकती है ये सुर, अगर जमा मुकसर बनाएंगी तो सुरात आ सकती है, असुर भी आ सकती है। ठीक है। और गसाल की जमा देखिए, इसमें मुबालगा में निकलेगा। ठीक है। देखिए आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, मंदरजा ज़ैल सवालात में से सिर्फ चार के जवाब लिखिए। तो मैं कर रही हूं जैसे लैसा वाला, समझ लीजिए मुझे ए सबसे अच्छे से आ रहा है, तो मैंने लैसा और जल्ला को, यानी लैसा और जल्ला दोनों से ही मुझे जी अरबी में ही जुमले बनाएंगे। हाँ जी, अरबी में ही बनाएंगे, यही बताना चाह रही हूँ असल में, कि जैसे मुझे लैसा से बनाना है तो लैसा और जल्ला से मैं अरबी में एक एक जुमला बनाऊंगी। जैसे मैंने बनाया लैसल वलदो मरीजन, मैं लैसा से बना रही हूं तो मैंने बनाया लैसल वलदो मरीजन, बस मेरा एक ये पूरा हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक ऑप्शन हुआ, इसमें जल्ला रह गया। ठीक है। तो फिर मुझे जब मैं जल्ला से एक बनाऊंगी तब आके मेरा ये एक पूरा होगा, एक क्वेश्चन पूरा होगा, समझ लिए एक जूस। जल्ला से जल्लल वाला दो यल अब बना सकती हैं आप, जैसे बना लीजिए जल्लल वलद बनाइए या वलदो ही बनाइए, जल्लल वलदो यल अबो, यल अबो। ठीक है, ऐसे बनाइए। तो अब आके मैंने लैसा और जल्ला से जब दो जुमले बनाए अरबी में, ये मेरा एक ऑप्शन, ये एक क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है। मैंने बनाया लैसल वलदो मरीजन, उसके बाद जल्लल वलदो यल अबो, जुमले अरबी में ही बनाएंगी। उसके बाद है आदा के सभी सेगे लिखिए। इन्होंने यहां पर एन अलिफ दाल ये एक फेल दिया और इससे आपसे कहा कि आप इसके सभी सेगे लिखिए, आदा या उदो, लेकिन ये नहीं कहा कि मुजारा के लिखिए, तो फिर आप आदा से फेले माजी ही लिखेंगी। ठीक है बेटा। माजी के जितने भी सेगे, आदा आदा आदू आदत आदता अदन, इस तरह करके आप जितने भी सेगे आते हैं वो सारे सेगे आप यहाँ पर लिख देंगी। उसके बाद अगर आपसे ये नहीं आ रहा है, आप इसको छोड़ रही हैं, तो आप फिर सी को देखिए, ये आ रहा है, आप आधा से लिख सकती हैं, तो आप आधा की गर्दान लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे आधा से अगर आप बनाएंगी, कि आप सबसे पहले तो आधा आएगा फेल मुजक्कर गायब वाहिद का सेगा, उसके बाद तस्निया का सेगा बनाएंगे, उसके बाद जमा का सेगा बनाएंगे, उसके बाद मोनस का, ये हो जाएगा वाहिद मुजक्कर गायब, उसके बाद तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब। लिखेंगे आप वैसे ही, ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, तरतीब तो आपको पता ही है ना बेटा गर्दान की कैसे होती है, आप वैसे ही गर्दान की तरह लिखेंगी, कि पहले आप कॉलम बनाएंगी, वाहिद लिखेंगी, फिर उसके बाद सेगे लिखेंगी, फिर उसके बाद वाहिद यहां पर डाल लेंगी कि वाहिद मुतकर वाहिद मुजक्कर गायब। ठीक है। उस एतबार से आप यहां पर ऐसे लिखेंगे आधा, फिर उसके बाद उसका वो बता देंगे कौन सा है, फिर उसके बाद उसका यहाँ पर तर्जुमा कर देंगे जो भी तर्जुमा होगा। वैसे तर्जुमा पूछा नहीं गया, सिर्फ सेगे पूछे हैं, तो सिर्फ सेगे ही लिख दीजिए काफी होगा। उसके बाद है लॉ और इजा को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। लॉ और इजा से आपको एक एक जुमला बनाना पड़ेगा, तब आकर बेटा आपका एक जूस पूरा होगा। लॉ से आप एक जुमला बनाइए और इजा से आप एक जुमला बनाइए, जैसा कि मैंने लैसा और इजा से बनाया। अगर आपको लॉ से बनाना, इजा से बनाना है, आप बनाएंगे इजा जा जैदुल। देखिए जैसे मुझे इजा से बनाना है, अगर आप लॉ को छोड़ देंगे और आपने इजा से बनाया तो आपका जूस पूरा नहीं होगा। लॉ से भी बनाएंगे और इजा से भी बनाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर यहां पर बनाया, हमने देखिए हमने लैसा और जल्ला से बनाया, तब आकर हमारा ये एक जूस पूरा हुआ, तब आ। ठीक है। इसी तरह हम लॉ और इजा से बनाएंगे सब, जैसे आप लॉ से बना लीजिए, लॉ से लॉ आतेनील अलमाल, या फिर बनाइए इजा से बनाए इजा जा जैदुन,
छोटा सा हो जाएगा, इजा जा जैदुन, जैद आया। उसके बाद है आपका दो जुमला इस्तेफामिया लिखिए, यानी दो जुमले इस्तेफाम के लिखिए। मिन ऐना अंता, आप जो आपको सबसे आसान लगे। मैंने बनाया जैसे मिन ऐना अंता, मेरा एक जुमला ये हो गया, ठीक है। दो पूछे हैं, कैफा हालू का बना सकती हैं आप, दूसरा जुमला ऐसे डालिए, उसके बाद लिखिए कैफा हालू का, आपका हाल कैसा है। तो ये दो जुमले हो गए, दो जुमला इस्तेफामिया हो गए, ठीक। ये आपका डी कंप्लीट हो गया, समझ में आया। उसके बाद ए ऑप्शन, दस हुरूफ जर लिखें और दो को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मैंने तीन क्वेश्चन कर लिए जबकि मुझसे पूछे गए चार, ठीक। अब मैं लास्ट वाला इसको करती हूँ, दस हुरूफ जर आपको याद है, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस्खला, आप इस तरह से दस बता सकती हैं। सत्रह आपको याद कराए गए हैं, उसमें से सिर्फ आप दस लिखेंगी जो आपको सबसे अच्छे से आते होंगे बेटा। उसके बाद आप दो को जुमलों में इस्तेमाल कर दीजिए, उन्हीं दस में से दो को लीजिए और जुमलों में इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे मैंने बा का इस्तेमाल करा, जैसे मैं बनाती हूँ कतब तो बिल कलम ही, मैंने बनाया कतब तो बिल कलम ही, मैंने कलम की मदद से लिखा, ठीक। एक बा का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद एक आप बना लीजिए अला से, बना लीजिए इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह देखिए आप बना सकती हैं इन्नल्लाह, जो आप आसानी से लिख सकें, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, ठीक है। तो बा का इस्तेमाल करके मैंने एक जुमला बना लिया जो हुरूफ जर में से ही था, दूसरा मैंने अला का इस्तेमाल करके एक जुमला बनाया जो हुरूफ जर में से था, दस हुरूफ जर लिखे और दो को मैंने जुमलों में इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप दस हुरूफ जर लिखती हैं और दो को जुमलों में इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो अगर ये चार नंबर का है तो आपको सिर्फ दो नंबर मिलेंगे और दो नहीं मिलेंगे। अब अगर आपने दस लिखे और दस लिखने के बाद दो को जुमलों में इस्तेमाल करा, अगर ये चार का है तो फिर आपको फोर पूरे मिलेंगे। समझ में आई बात। देखिए बेटा, उसके बाद यहाँ पर ये आप आपके फोर हो गए, ये चाहें तो आप ऑप्शन उसमें छोड़ सकते हैं चॉइस में, नहीं अगर आपका वो उसमें ऊपर में से आपको जो फाइव है उनमें से कोई एक नहीं आ रहा है, आपको इसमें से करना है। तो इन्होंने पूछा अलिफ और मलयून को जुमलों में इस्तेमाल करें, इनमें से आप कर सकती हैं तो आप इसको कीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। देखिए बेटा, उसके बाद है आपका ये आपका छह नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 20। तीन नंबर आपके तर्जुमे में मिलेंगे आपको और तीन आपको मिलेंगे आंसर में, जो आप आंसर देंगे क्वेश्चन में, ठीक। इस पूरी इबारत को उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऊपर के अल्फाज उतारेंगे, फी हरकती सगीरती, सिर्फ आप याद इतना उतारा आपने, उसके बाद डैश लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद सिर्फ लास्ट का अल्फाज उतारिये, फकाल अल्लाह ऐना हम, ठीक, ये उतार दीजिए। बाकी सब में कैसे डैश डैश लगा देंगे, आपने इम्तिहान दिया है आपको पता होगा, डैश लगा देंगे। फिर उसके बाद आप इबारत को अपने क्वेश्चन पेपर में से पढ़िए, फी हरकती सगीरतुन, फी हरकती नहीं है बल्कि यहाँ पर बरकती है, यानी कि तालाब। तो फी बरकती सगीरतुन काना सलाफतुन व काना लिहाजी सलाफतुन सदीकतुन, एक छोटे से तालाब में एक कछुआ रहता था और इस कछुए की दो बदखों के साथ दोस्ती थी। आप पेपर से पढ़िए और अपनी आंसर शीट पे तर्जुमा लिखती जाइए। एक छोटे से तालाब में एक कछुआ रहता था और उसकी दो बदखों के साथ दोस्ती थी, फी अय्याम सैफी, और गर्मियों के दिन में, लम्मश तद्दत हरारता, जब गर्मी सख्त हो गई, व बदात मियातुल बरकती, और तालाब का पानी सूखने लगा, वजातल यौमू, तो बदखों तो दोनों बदखों में से तो दोनों बदखों ने कछुए से कहा, एक दिन कछुए से कहा, नहनु हम तैरो गदन इला बरकतिन कब्र, के कल हम एक बड़े तालाब की तरफ उड़ जाएंगे, तारस सलासा फी जो, तो तारस सलासा फी जोइन, और हम तीनों ही फिजा में उड़ जाएंगे। वलम्मा, देखिए यहां तक अलग है, ये नहीं कि आपने तर्जुमा रटा होगा, यहां तक पहले पैराग्राफ में से पूछा गया है और ये सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ का तर्जुमा आ गया, तारा सलासा तफी जोई, और तीनों को फिजा में उड़ते हुए देखा, या तीनों फिजा में उड़े। वलम
वलम्मा आहा नास, और लोगों ने कहा बदा यसुफुना, जब उन तीनों को फिजा में उड़ते हुए देखा, समात तो कछुए ने सुना, देखिए, और जब उन तीनों को फिजा में उड़ते हुए लोगों ने देखा तो लोगों ने लोगों के मुंह से आह निकली, समात सलफतुन, और कछुए ने उसको सुना, हाजा सराहतुन, इन आवाजों को, वकालत तो कछुए ने कहा, गाजबत के अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों को गजब कर ले, अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों को गारत कर दे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसके बाद उसका तर्जमा कीजिएगा। जब ये आप तर्जमा कर लेंगे तो तीन नंबर इसके हैं, उसके बाद ये सवालात दिए गए हैं। दजाजिल सवालात के जवाब लिखिए। पहला इसके अंदर ऑप्शन है कि सभी सवालात के जवाब देना है। तीन क्वेश्चन इन्होंने इसमें पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है ऐना शाबत सलाफतुन, दूसरा है मिनतेरो फिजुई, सी है लिमाजा कालत बततानी अनन सनतीरो इला बरकति कबीर। तो इन तीनों के आप आंसर देंगे। उसके बाद है दर्जा ज़ेल में से सिर्फ पांच जुमलों को दुरुस्त करें। यहां पर ये जुमले दिए गए हैं। पहला जुमला है, इसको सही करके आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, आंसर डालेंगे, आंसर नंबर 21 कर रही हैं आप, और उसमें से उतारेंगी आप ये गलत, ए है ना, कलम ओ ज़ैनबो जमीलतुन जिद्दन। ठीक, इसके बाद आप जो इसका सही होगा उसको अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। समझ में आ रहा है? कैसे सही करेंगे इस जुमले को, जुमला सही करके बताइए। कलम ओ ज़ैनबो जमीलतन जिद्दन, जुमला सही है या नहीं? अगर गलती है तो इसको किस तरह दुरुस्त होगा? ये क्या गलती है, ये जुमला इस्म से शुरू होना चाहिए था। जी वेरी गुड, ज़ैनब पे नहीं, अल कलम पे अलिफ लाम आएगा। नाम के ऊपर कभी भी अलिफ लाम नहीं आता है, चाहे वो लड़कियों के नाम हो चाहे वो लड़कों के नाम हो, इस अलिफ लाम नहीं बल्कि इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि किस पे अलिफ लाम होगा, अल कलम पे, कलम इसमें है, तो अल कलम ओ ज़ैनब ओ जमीलतन जिद्दन। ठीक है, दूसरा जुमला, अब आप इसको अपनी आंसर शीट पर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे आंसर नंबर 21 अल कलमो जिद्दन। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया, ऐसे लिखेंगे आप अपनी आंसर शीट पर। इसके अलावा फिर बी बताइए, ज़हबुल औलादो इला फसूलिहिम, सही है ये या क्या गलती है इसके अंदर? वेरी गुड, सही जुमला है ये, बिल्कुल सही। तो आप इसको ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, देखिए औलाद जमा इस्तेमाल हुई, उस एतबार से फेल भी जमा ही इस्तेमाल हुआ है, और यहां पर इन्होंने जो इस्म इस्तेमाल की वो भी उसके साथ जमीर भी दुरुस्त इस्तेमाल हुई है, वो भी जमा की हुम की जमीर इस्तेमाल हुई है। जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद सी है, इस्तता ज़ैब अन यक्तल गनमानी, बताइए ये जुमला दुरुस्त है? गलत, क्या गलती है इसमें? वेरी गुड, गनम मान की जगह क्या आएगा? गनम है। ठीक है, उसके बाद या उम्मी नजीफुल बैत, जी नहीं, सही करके लिखना पड़ेगा जब ही। तो देखिए मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पर आप जैसे मैंने लिखा आंसर नंबर 21, उसके बाद मैंने सही जुमला यहाँ पर लिखा है, गलत उतारने की जरूरत नहीं है। जो आप इसमें से पेपर में से गलत देखिए और उसको सही को यहाँ पर लिख दीजिए बस। अगर आप इसको मौसूफ सिफत भी तो ये बना सकते हैं आप। आप कैसे जुमला करेंगे इसको, कैसे बनाएंगे फिर? मतलब आपने अगर बनाया कलम और ज़ैनब, ज़ैनब का कलम खूबसूरत है जी मैम, हम ऐसे बनाना चाह रहे थे, कलम ज़ैनबिन जमीलतन जिद्दन, तो फिर इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आएगा।
ठीक है, तो यहां पर ये मुजाफ बन जाएगा और ये इसका मुजाफले होगा। लेकिन अगर आप अल कलम को मुब्तिदा बनाएंगी और ये ज़ैनब को खबर बनाएंगी तो मैम ज़ैनब पर अलिफ सलाम नहीं आएगा, बापे दो ज़बर लगा देंगे हम। हाँ हाँ ठीक है, चलिए उसके बाद बनाइए लास्ट वाला जुमला है आपका बेटा, या उम्मी नजीफुल बैत, डी बेटा ये बनाइए। मैम ये गलत है, या उम्मी नजीफुल बैत। हाँ शाबाश, सही क्या होगा? मैम नजीफुल बैत या उम्मी। हाँ ठीक है, सही। इसमें से सिर्फ आपको पांच जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है बस। देखिए बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, मंदरजा ज़ैल में से सिर्फ पांच जुमलों का अरबी में तर्जुमा कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, वतन के लिए हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं। ये उर्दू में दिया गया है, आपको इसकी अरबी बनानी है। चलिए आप मुझे इजाजत दीजिए, चलिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।